आधार कार्ड से जुड़े मामलों में फैसला लेने वाली सरकारी अथॉरिटी UIDAI ने हाल ही में PVC आधार कार्ड लॉन्च किए हैं और वो लोगों को ये सुझाव दे रही है कि वो अपने पुराने आधार कार्ड को नए PVC आधार कार्ड से चेंज कर लें, क्योंकि ये जो नया आधार कार्ड है ये ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आ रहा है, जिससे कि आधार कार्ड फ्रॉड्स को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकेगी। और अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तब भी आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। सबसे पहले नए PVC आधार कार्ड के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना कैसे है। तो देखिए, अभी तक जो भी हमारे आधार कार्ड होते थे, आपका या हमारा आधार कार्ड जो भी होता था, उसका जो साइज है वो वेरी करता था, क्योंकि कई लोग तो अपने आधार लेटर को लेमिनेट करा लेते थे और बाकी अपने अकॉर्डिंग उसका प्रिंट निकलवा के उसको लेमिनेट करा लेते थे, जिससे कि उसका साइज वेरी करता था, उसको कैरी करने में परेशानी होती थी और उसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना भी मुश्किल होता था। लेकिन ये जो नया PVC आधार कार्ड है, इसकी खास बात यह है कि इसका यूनिवर्सल साइज होगा, यानी कि सभी का आधार कार्ड सेम साइज का होगा और एक ATM कार्ड के बराबर इसका साइज होगा, जिससे कि आप इसको इजीली अपने वॉलेट में भी कैरी कर पाएंगे। और खास बात यह है कि PVC आधार कार्ड के बैक साइड में QR कोड होगा, जिससे कि इसका ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना भी बेहद आसान हो जाएगा। फ्रंट साइड पर कियोशे पैटर्न में आधार का 3D होलोग्राम दिया गया है, जिससे आधार की डुप्लीकेसी करना आसान नहीं होगा, और उसके ऊपर आपकी घोस्ट इमेज प्रिंटेड होगी और उसके ही जस्ट ऊपर टॉप राइट में यहाँ पर आधार का एम्बोस्ड लोगो दिया गया है और बाकी डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स आधार नंबर के साथ यहाँ पर पहले की तरह दी गई हैं। यही नहीं, और भी ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी के लिए आपके फोटो के साइड में आधार की इशू डेट और प्रिंटेड डेट भी मेंशन होगी। अब बात करते हैं कि ये जो नया PVC आधार कार्ड है, इसको ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है। PVC आधार कार्ड को ऑर्डर करने के लिए आपको UIDAI.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद यहाँ आधार PVC कार्ड पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर, वर्चुअल ID नंबर या फिर EID नंबर लिखना है और इसके नीचे सिक्योरिटी कोड लिखकर अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो सेंड OTP पर क्लिक करना है और अगर नहीं है तो माई नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पर टिक करके एंटर TOTP पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आ जाएगा और उस OTP को वेरीफाई करके जैसे ही आप सबमिट पर टैप करेंगे तो आपकी आधार डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। इनको चेक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा और ₹50 की पेमेंट करके आप अपना ऑल न्यू PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप जो ट्रांजैक्शन रिसीप्ट आएगी उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे कि आप आधार कार्ड की डिलीवरी को ट्रैक कर पाएंगे और आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी ये जो रिसीप्ट है काम आ सकती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आधार कार्ड से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे और आप ये जान चुके होंगे कि नया PVC आधार कार्ड आपको ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करना है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए टेक तक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।